अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जाने फाती किचन और आज हम बना रहे हैं क्रीमी चिकन ब्रेड रोल। क्रीमी चिकन ब्रेड रोल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक पैन ले लिया है। पैन के नीचे हमने कर दी है फ्लेम को ऑन और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया 2 टेबलस्पून अराउंड हमने लिया है ऑयल और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम चिकन। इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा कट कर लिया है, कीमा फॉर्म नहीं किया, बिल्कुल कीमे की तरह इसको बारीक लेंगे। थोड़ा सा मोटे मोटे चंक्स हैं, ये अराउंड 1 कप हमारे पास है चिकन और इसको हम कर लेंगे फ्राई मीडियम फ्लेम पर। हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून गार्लिक का पाउडर और चिकन को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी जब तक ये वाइट वाइट ना हो जाए। देखिए हमारा चिकन बिल्कुल वाइट सा हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुछ स्पाइसी। स्पाइसी में मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च हम ले लेंगे 1/2 टीस्पून और सॉल्ट हम इसमें ऐड कर देंगे बिल्कुल थोड़ा सा। हम सॉल्ट ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि मैं इसमें चिकन पाउडर भी ऐड करूँगी क्योंकि मैंने इसमें चिकन पाउडर भी ऐड करना है, इसलिए मैंने सॉल्ट ज़्यादा ऐड नहीं किया। ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून और इसे हम कर लेंगे कुक। ये जल्दी से ही कुक हो जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसमें क्योंकि ये चिकन है तो ऐसे ही जल्दी ही कुक हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इसी पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे, मेरे पास है मीडियम साइज की अनियन, इसको हमने कर लिया है ऑमलेट कर ये ऐड कर देंगे। ऑमलेट कट कर दिया है इसको, इसमें इस पॉइंट पर ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसे तो ब्राउन करना ही नहीं था, जस्ट हमने इसको चिकन के साथ कुक करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। बस फ्राई वगैरह हमने नहीं करना था इसलिए हम इसको चिकन के बाद ही ऐड करेंगे और इसको कर लेंगे हम थोड़ा सा कुक 1 से 2 मिनट। फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे अब ताकि हमारा जो चिकन में टाइमिंग है ना ये भी थोड़ी सी कवर हो जाए, इसी में ही कुक होने के साथ साथ ही चिकन हमारा टेंडर हो जाए। बिल्कुल बारीक बारीक से थोड़ी सी ही देर लगती है बस इसमें। देखिए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है इसे कुक करते हुए मुझे। अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं 1 टेबल स्पून मेरे पास है चिकन पाउडर, ये ऐड कर दूँगी मैं इसमें और इसी पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिली सॉस 3 टेबल स्पून, सोया सॉस भी मैं इसमें 3 टेबल स्पून ऐड करूँगी। इसे थोड़ा सा अगेन कुक कर लेंगे हम। इसी पॉइंट पर हम इसमें ये भी ऐड कर देंगे, कैरेट है मेरे पास 1/2 कप, इसको मैंने छोटा छोटा डाइस शेप में कट करके फ्रीज करके रखा। मैं ऐसे ही इस वेजिटेबल्स को फ्रीज करके रख देती हूँ ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो। और मेरे पास है 4 से 5 टेबल स्पून कैप्सिकम, इसको भी मैंने छोटी छोटी कटिंग की हुई है और ये ग्रीन अनियन है ये बाद में ऐड करूँगी। इसको थोड़ा हम चिकन के साथ ही कुक कर देते ताकि जो ये फ्रीज हुआ है ना ये भी इसी में ही अच्छा सा कुक होगा। इसको हम इसमें फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम टू हाई कर देंगे। ये जो सोया सॉस और चिली सॉस डाला है ना ये भी ड्राई हो जाएगा इसी में ही। देखें ड्राई हो चुका है। अब हम इस पॉइंट पर मैं ऐड कर दूँगी इसमें 4 टेबल स्पून मेरे पास है ग्रीन अनियन, लास्ट में ऐड करूँगी। बिल्कुल मैंने फ्लेम को भी लो कर दिया, इसको हम बस मिक्स करूँगी और मैंने कुछ भी नहीं करना और इसको हम बिल्कुल साइडों पर कर देंगे, कॉर्नर्स पर कर देंगे जो हमारा चिकन है ना। अनियन को कुक करने की ज़रूरत नहीं है ग्रीन अनियन को। ये देखिए हमने स्पेस बना दी है और इसमें मैं बनाऊंगी अब वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए मैं पहले इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम कर दूँगी
अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी, अब 2 टेबलस्पून है मेरे पास बटर, सेंटर में इसको ही मैं बटर को ऐड कर दूँगी। अराउंड मेरे पास 2 टेबलस्पून बटर है, 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है बटर। इसमें ऐड कर दूंगी मैं सेंटर में ही मेरे पास है मैदा, मैंने 1/2 टेबलस्पून जस्ट हम ले लेंगे इसमें मैदा, ताकि ना इसका हम व्हाइट सॉस रेडी करें। सेंटर में ही हम इसको भून लेंगे मैदे को, ज़रूरत नहीं आप दूसरे पैन में इसको बनाएं, इसी में ही हम इसको भून लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देते हैं, पैन मैंने लो टू बिल्कुल लो कर दी थी, थोड़ी सी हम कर देते हैं, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, जस्ट ये सेंटर में ही भून लेंगे हम इसको। अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे, दूध मैंने ले लिया 1/2 कप, और इसको मिक्स कर लेंगे हम, ताकि ये हमारा जो वाइट सॉस है ना, इसके जो लम्स वगैरह हैं ये इसमें ही अच्छे से मिक्स हो जाएं और कोई लम्स ना रहे। देखिए मैंने पूरा 1/2 कप दूध लिया, मैंने इसमें 1/2 कप दूध डाले, ये हमारे पास बड़ा मग है, ये इतना दूध मैंने लिया, और ये जो हमने सॉस बनाया ना ये इसी में ही थिक हो जाएगा, बस इसको हम अच्छा सा मिक्स करते रहेंगे और फ्लेम हमारी मीडियम रहेगी, इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे ताकि जो लम्स है ना इसी में ही हमारे कवर हो जाए, और हमारा ये जो दूध हमने ऐड किया थिक सा पेस्ट बन जाएगा वाइट सॉस का। देखिए हमने जो व्हाइट सॉस बनाया इतना थिक सा हो चुका है, अब ये जो हमारी है ना सारा चिकन और वेजिटेबल इसको हम कर देंगे मिक्स, और मेरे पास है 4 to 6 टेबल स्पून क्रीम, तो इसमें ऐड कर देंगे, ये भी हम इसमें ही मिक्स कर लेंगे, इससे बड़ा मज़ेदार क्रीमी सा टेस्ट आएगा। देखिए हमारा ये इस वक्त बैटर जो हमने जिसका मटेरियल बनाया थोड़ा रनी सा लग रहा है, जब हम इसे रोल्स में भरेंगे थोड़ा सा ठंडा करके ना तो ये खुद से थिक हो जाएगा। बस अब ये रेडी हो चुका है, इसकी फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं ताकि हम इसके बाद में रोल्स बना सकें। चलिए हम इसकी फ्लेम को बस हम बंद कर देंगे। देखिए हमारा बैटर ठंडा हो चुका है, ये देखिए इतना ज़बरदस्त सा ठंडा हो चुका है, और थोड़ा सा देख मैंने आपको कहा था ना थिक भी हो जाएगा, इसकी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है इस वक्त। अब हमने ले ली है ब्रेड, ब्रेड जितनी आपको ज़रूरत है रोल्स की, जितना आपका बैटर उस हिसाब से आप ब्रेड लेंगे, ब्रेड के हम कॉर्नर्स को कर देंगे रिमूव और रोलिंग पिन से इसको हम कर देंगे ऐसे प्रेस, ब्रेड सॉफ्ट होनी चाहिए, बस ब्रेड हमारी फ्रेश होनी चाहिए ताकि हमारे ईजीली ये जो ब्रेड को हम करेंगे ना प्रेस, तो ये इतने आराम से देखिए कितना अच्छा सा पीस बन चुका है। मैंने बाकी पीसेस ऐसे ही प्रेस करके रखी हैं, 2 मैं आपको करके दिखा रही हूँ, और जो हमने इसके कॉर्नर्स को रिमूव किया है ना वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे, हम उसके क्रम्स रेडी कर लेंगे जो इसी रोल्स में हमारे काम आएंगे। देखिए कितना अच्छा सा हमारा प्रेस हो गया ना, बस ये सारे ब्रेड को हम ऐसे प्रेस करके रख लेंगे। अब हमें चाहिए कोटिंग के लिए मैदा, मैदा मैंने ले लिया है 4 टेबलस्पून, इसमें हमने थोड़ा सा ना 1/3 टीस्पून हमने डाल दिया चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा बिल्कुल पिंच ऑफ हमने डाला है सॉल्ट, इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूँगी और इसको ना थिक सा बैटर बना लूँगी, ज़्यादा भी थिक नहीं बनाना हमने, बस नॉर्मल होना चाहिए। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। देखिए मैंने इसको बस इतना थिक हमने इसका पेस्ट सा रेडी करना,
ये रेडी हो चुका है। देखिए अब हम ले लेंगे ये हमारी जो ब्रेड है ना, एक पीस इसका हम ले लेंगे। ये जो बैटर है ये लेंगे हम। क्वांटिटी बैटर की ना हम अपने हिसाब से ऐड करेंगे, ज़्यादा आपको ज़्यादा ही अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और मैं लूँगी बैटर जो हमने मैदे का बनाया ना, इसको हम कॉर्नर पर ना अच्छा सा लगा लेंगे ताकि हमारा रोल जो है सील हो जाए। इसको हम लेंगे ऐसे और इसको कर देंगे हम रोल। ये देखिए इतना ज़बरदस्त हमारा रोल इतनी जल्दी बन चुका है। ऐसे ही हम अपने रोल्स और रेडी कर लेंगे। इतने सारे बैटर में देखेंगे मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कितने रोल हमारे इतने बैटर में रेडी हुए। या आप फ्रीज भी करके रख सकते हैं, इफ्तारी में बनाए, बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, ईद के लिए आप पहले ही बना के भी रख सकते हैं ताकि गेस्ट कोई आए और इसे हम फ्रीजर में से निकालें और जस्ट फ्राई कर लें। ये देखिए इतना ज़बरदस्त सील हो गया। ऐसे ही हम अपने सारे रोल्स को रेडी कर लेंगे। अब ये देखिए हमने सारे रोल्स रेडी कर लिए अपने, इतने ज़्यादा माशाल्लाह से हमारे इतने बैटर में 15-20 रोल्स बन चुके। अब हम इसको कोट कर लेंगे, ये जो हमने बैटर बनाया ना इसमें मैं इसको कोट करूँगी पहले, और ये हमने ले लिए हैं क्रम्स। क्रम्स में हम ऐसे डालेंगे और अब क्रम्स लगा लेंगे। पहले बैटर लगाएंगे और फिर क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। ये देखिए इतना ज़बरदस्त हमारे रोल रेडी हो जाएंगे। स्पून से अगर हम लगाएंगे ना तो हाथ भी नहीं हमारे ख़राब होंगे। सारी हमने इसकी अच्छी सी कोटिंग कर ली है, अब इसको रख देंगे हम प्लेट में। हम इसको इजीली फ्रीज भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, बच्चों को ना आप लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, टी टाइम के लिए भी बनाएंगे, और हम रमज़ान के लिए तो स्पेशली बना ही रहे हैं। वैसे भी आम रूटीन में हम बना सकते हैं, पर ऐसे ही सारे करके रख दो, ये इतने दिन अराउंड ये चल जाएंगे, 15-20 दिन महीना भी इजीली फ्रीज करके हम रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें कोई ऐसी चीज़ डाली ही नहीं है जो ख़राब हो। ये देखो इसको अच्छा सा कोट कर लेंगे बस क्रम्स, और ये हमारा रोल रेडी है। ऐसे ही हम अपने सारे रोल्स को बना कर रख लेंगे और इसके बाद हम इसे कर लेंगे। देखिए हमने अपने सारे रोल्स को कोट करके रख लिया, बना कर रख लिया। अब इसी पॉइंट पर आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, और मैंने ऑयल को प्री हीट करने के लिए रख दिया। अब हम इसे कर लेंगे फ्राई। बहुत गर्म नहीं होना चाहिए हमारा ऑयल, नॉर्मल होना चाहिए कि हम अपने रोल इसमें ऐड करें और फ़ौरन से कुक होना स्टार्ट हो जाए, बबल्स बनने लग जाएं ऑयल में, वरना सारा ऑयल इसमें ना भर जाएगा। जितने पैन में आ जाए ना इजीली हम इसमें डाल देंगे और कर लेंगे हम इसे फ्राई। क्योंकि थोड़ी देर के बाद हम इसे टर्न कर देंगे ताकि इसकी अदर साइड भी ऐसी ही गोल्डन क्रिस्पी हो जाए। इतने अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं एक साइड से, हम इसे टर्न कर देंगे सारे जो हमारे रोल्स हैं ना इन्हें। देखिए सारे ऐसे ही हो जाएंगे हमारे फ्राई। अगर हम इसे ठंडे ऑयल में डालेंगे ना तो सारा ऑयल जो होगा ना वो इसमें रोल्स में भर जाएगा, इसलिए हमें टेम्परेचर इसका नॉर्मल रखना ताकि एकदम से ना ये कुक होना शुरू हो जाए और ऑयल भी ना इसमें भरे। देखिए इतने अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका। अब हम इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे, जो जो हमारे रोल्स फ्राई हो गए ना उन्हें हम निकालेंगे स्ट्रेनर में ताकि इनका एक्सेस ऑयल भी रिमूव हो जाए। और ना अब हम इसको उसके बाद सारे अपने रोल्स को रेडी कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसे कर लेंगे अब डिश आउट। इसे देखिए इतना ज़बरदस्त से कलर आ चुका है इसको। फ्रेंड्स हमारे इतने मज़ेदार से क्रीमी चिकन ब्रेड रोल रेडी टू ईट है। आप इसे बनाएं, इंजॉय करें।
फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, फ्राई टाइम पर बनाएं, गेस्ट के लिए बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें, इंजॉय करें। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर देखने को मिले। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जेफ के चैनल। अल्लाह हाफिज़।